हेलो दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ बाइनरी कैसे काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आप दो लोगों को बताइए और वो अपने दो लोगों को बताएंगे और वो चार लोग अपने दो दो लोगों को बताएंगे, तो ऐसे आठ होगा और ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता है और आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर ये सब होता कैसे है, ये बाइनरी काम कैसे करता है और क्या जो लोग बता रहे हैं वो सच है, और इसमें लोगों की बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं लोगों को बताऊंगा कि चीज कैसे कैसे हो सकती है और क्या चीजें एमएलएम या फिर बाइनरी में क्या सिस्टम रहता है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इसके अलावा लोग ये सोचते हैं कि क्या अपलाइन से ज्यादा कमाया जा सकता है, और ये भी यस, मैं बोलता हूँ कि अपलाइन से ज्यादा भी कमाया जा सकता है। ये बहुत ही फेयर सिस्टम है और ये कैसे हो सकता है, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बाइनरी कैसे काम करता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन से। अब ये डाउनलाइन और अपलाइन क्या होती है ये भी मैं आपको जैसे जैसे प्रेजेंटेशन जाएंगी उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये डाउनलाइन और अपलाइन क्या है। पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी के रिगार्डिंग लोगों के सवाल क्या क्या हो सकते हैं, कि बाइनरी प्लान क्या है, बाइनरी बनाते कैसे हैं, और बाइनरी से प्लान से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कैसे मिलता है। और कई लोगों का कंसर्न है कि बाइनरी एक पिरामिड है, तो इसको से शुरुआत करेंगे हम लोग कि बाइनरी प्लान क्या है से। तो बाइनरी प्लान एक ऐसा प्लान है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज यूज करती हैं ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपेंसेट या पैसा दे सके। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कैसे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर है कौन, डिस्ट्रीब्यूटर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है जो कमीशन मिलता है किसी कंपनी का प्रोडक्ट को बेच के, यानी कि वो किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उस कंपनी के साथ जुड़ता है और उनके सामान और प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करता है जिसके बिहाफ पे कंपनीज उसको कंपेंसेट या पैसा देती है। अब ये कमीशन जो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो कंपनी के प्लान के तहत मिलता है कि उनका कंपेंसेशन प्लान कैसा है। अब दूसरी बात आती है कि हम बाइनरी बनाते कैसे हैं। अब बाइनरी बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लेफ्ट और राइट माना जाता है, यानी कि आप दो टीम बनाते हो, एक अपने लेफ्ट में बनाओगे और एक अपने राइट में बनाओगे, यानी कि एक टीम आपके लेफ्ट में आ रही है और एक टीम आपके आ रही है राइट में। अब इसको अगर आप देखते हो तो ये लेफ्ट और राइट में जो टीम आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि राम और श्याम है, राम को हम ए मानेंगे और श्याम को हम बी मानेंगे। अब राम यानी कि जो आप हैं, अब आपके लेफ्ट में अगर मान लो राम आते हैं ए जिसको मान रहे हैं और श्याम जिनको हम बी मान रहे हैं, तो आप दाएं और बाएं में रख सकते हो, यानी कि राम आपके बाएं में आए हैं और श्याम आपके दाएं में आ रहे हैं, ए ऑन लेफ्ट बी ऑन राइट। अब इसके बाद बात आती है कि मान लो कोई तीसरा आदमी आ जाता है जिसको हम सी बोलते हैं, वो कहाँ पे आ सकता है, आपका ए लेफ्ट में है बी और राइट में है तो आप सी को कहाँ पे रखे हुए हैं। सी को आप रख सकते हो इन दो जगहों पे, लेकिन क्या आप सी को ऐसे रख सकते हो, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत है क्योंकि बाइनरी सिस्टम में या तो आपके लेफ्ट में आएगा या आपके राइट में आएगा। तो क्या होता है कि आपके पास सिर्फ ऑप्शन जो बचता है सी को जो रखने का, या तो आप पहले आपका ऑप्शन है कि आप ए के नीचे रख दीजिए या फिर आप बी के नीचे रख दीजिए। तो अब इसमें जो रहता है, आप ए के अगर नीचे रखते हो तो सी यहाँ पे आता है, और अगर आप बी के नीचे रखते हो तो सी आपका बी के नीचे आता है। लेकिन क्या सी को रखने की सिर्फ इतनी ही जगह है, इस इफेक्ट को भी बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, जिसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन सी के एक्चुअल में रखने की जगह चार जगह है लोकेशन, सी ए के लेफ्ट में आ सकता है और ए के राइट में आ सकता है, बी के लेफ्ट में आ सकता है और बी के राइट में आ सकता है। सी कहीं भी आया, अगर ए के नीचे सी आता है चाहे लेफ्ट में या राइट में, अगर ए के नीचे आता है तो सी आपके लेफ्ट में गिना जाएगा, और अगर सी बी के नीचे आता है तो सी आपका राइट गिना जाएगा, चाहे बी के वो लेफ्ट में आए या बी के राइट में, अगर सी बी के नीचे आ रहा है तो वो आपके राइट में गिना गया। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि बाइनरी प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कैसे मिलते हैं। हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि इस बाइनरी प्लान में एक लेफ्ट और एक राइट टीम होती है, तो बाइनरी प्लान में दोनों का जब रेशियो मैच करता है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब वो रेशियो कई कंपनीज में वेराई कर जाता है, कहीं जगह 1:1 बोला जाता है, कहीं 1:2, कहीं 2:3। आज हम देखेंगे 1:1 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मान लीजिए आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है लेफ्ट में और एक डिस्ट्रीब्यूटर है राइट में। मान लीजिए कंपनी इसका आपको $100 का पेमेंट करती है,
यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट में आया और एक डिस्ट्रीब्यूटर राइट में आया, तो आपको $100 मिलते हैं। तो अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास लेफ्ट टीम में तीन लोग आते हैं ए सी और डी और राइट में बी ई और एफ, तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि रेशियो हो गया 3:3 का, तो आपको मिलेंगे $300। 1:1 रेशियो, जब एक एक का था तो आपको $100 मिल रहे थे, तीन और तीन का रेशियो हो गया, यानी वो भी 1:1 का रेशियो हो गया, तो उस हिसाब से आपको $300 मिलेंगे। अब अभी करेंटली आपने जो कर रखे हैं ये 6 के 6 लोग आपकी स्पॉन्सर आईडी से रजिस्टर हो रहे हैं। अब जो लोग आपके नीचे आते हैं उनको आप बोलते हो डाउनलाइन, और जो लोग आपके ऊपर होते हैं उनको बोलते हो आप अपलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि एक आपकी डाउनलाइन में है, सी भी आपकी डाउनलाइन में है, लेकिन ए के लिए आप हो अपलाइन और सी के लिए अपलाइन है ए। इसी तरीके से बी के लिए अपलाइन है आप और बी की डाउनलाइन है एफ। अब अभी करेंटली ये सारे के सारे जितने भी रजिस्टर करते हैं, जब भी हम बाइनरी में रजिस्टर करते हैं एक आईडी दी जाती है, आप अपनी आईडी से जब रजिस्टर करते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके, तो हमने जो सामने दिखाया ये 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूटर आपकी आईडी से आए हैं, तब आपको $300 मिले हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर क्या होता है अगर आप खुद दो स्पॉन्सर करते हो ए और बी को, उसके बाद जो बाकी के जो सी डी ई और एफ आ रहे हैं उसको आप स्पॉन्सर नहीं करके इनडायरेक्टली स्पॉन्सर, यानी कि ए स्पॉन्सर करता है सी और डी को और ई और एफ को बी स्पॉन्सर करता है, वो आपके इनडायरेक्ट स्पॉन्सर्स हो गए। इस बी केस में बाइनरी कंपेंसेशन में आपका 1:1 का रेशियो मैच किया, यानी कि 3:3, उसको हम तीन और तीन करके करते हैं तो 1:1 का रेशियो ही होता है, तो यानी कि तीन आपके लेफ्ट में आ गए, तीन आपके राइट में आ गए, इस केस में भी आपको $300 ही मिलेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ए और बी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, लेकिन ए ने सी और डी को अपने लेफ्ट और राइट में रखा और बी ने अपने ई और के बाद एफ रखा, तो उस केस में क्या हुआ, आपका फिर भी आपका रेशियो जो था आपके, क्योंकि सी डी और ए सारे आपके लेफ्ट में गिने जाएंगे, बी ई और एफ आपके राइट में गिने जाएंगे, किस तरीके से रखा गया ये माना नहीं जाएगा, ये आपको $300 ही मिलेंगे उस केस में भी। और ये जो स्पिल ओवर जो इफेक्ट हुआ वो इस तरीके से है कि आपका ऑटोमेटिकली जो भी बी के बाद उसने जो एफ को रखा है वो ऑटोमेटिकली अगर दाईं तरफ रखता है तो ई के नीचे आता है, तो यानी कि कल को आप भी अपने किसी राइट में रखोगे दूसरा आदमी तो वो आपके एफ के नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। अब दूसरा देखते हैं, हमारे पास ये समराइज करने के बाद आपने तीन कैटेगरी में डायरेक्टली रिफरल किया या इनडायरेक्टली रिफरल किया, रेशियो जैसे मैच है वो सबसे आपको पैसा मिलता है। हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर रखा था कि आपके 1:1 रेशियो में एक डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट में और एक डिस्ट्रीब्यूटर राइट में हो तो आपको $100 मिलते हैं, इस मुताबिक अगर तीन लोग लेफ्ट में तीन लोग राइट में आए किसी भी तरीके से आते हैं तो आपको $300 मिलते हैं। अब इसके अलावा ये देख लेते हैं कि पोजीशन भी कैसे होती है, उससे भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखते हैं, लेट सी हाउ मच प्लान कैन बाइनरी प्लान कंपेंसेट, इसका मतलब ये है कि एक बाइनरी प्लान एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा दे सकता है। हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल इनकम बोल के देते हैं, लोग बोल देते हैं अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज को एक बताया जाता है तरीके के हिसाब से। तो देखते हैं स्टार्टिंग से, मान लीजिए आपके लेफ्ट में एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो आपका रेशियो 1:1 का हुआ तो आपको $100 मिले। इसी तरीके से तीन लोग आ गए तो लेफ्ट और राइट में आपको जो मिला है टोटल $300 मिला, तीन लेफ्ट तीन राइट। अब मान ले जाते हैं ये जो रेशियो मिला ये इस तरीके से मिला कि ईच रेशियो का आपका $100 मिला। अब ये तरीका अगर बढ़ता जाएगा तो आप ये सोचिए कि इमेजिन ये अगर ये नेटवर्क आपका बढ़ता जाता है तो 300 लेफ्ट और 300 राइट में आ जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो 300 लेफ्ट और 300 राइट में आ जाते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा $30,000। अब इसके बाद अगर हम आगे देते हैं, एक टाइम आने के बाद आपका कमीशन मैक्सिमम चला जाता है, यानी कि मैक्स आउट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से हम देखते हैं कि मान लो 3,000 लेफ्ट में 3,000 राइट में आ गए तो इस हिसाब से आपको $30,000 कंपनी को देने पड़ेंगे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मान लो $600 लेफ्ट में और $600 राइट में आता है तो फाइनली जो आपका अमाउंट मिलता है वो अमाउंट मिलता है आपको $60,000 का, यानी कि पर वीक $60,000 आपको मिलेंगे, लेकिन क्या कंपनी आपको ₹60,000 देगी। अब ये चीज सोचने वाली बात है कि कंपनी का कंपेंसेशन प्लान क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। अगर कंपनी बोलती है कि 60,000 अगर आपको मिलेगा तो वो चीज 60,000 ही मिलेगी, लेकिन अगर कंपनी बोल देती कि हमारा मैक्सिमम स्लैब वीकली या मंथली पेमेंट का, मान लीजिए कंपनी बोलती है कि हम 40,000 देते हैं,
तो अगर आपके 600 लेफ्ट में 600 राइट की भी अगर ज्वाइनिंग होती है तो उस हफ्ते कंपनी आपको सिर्फ 40,000 देगी, ना कि 60,000। हर चीज की इसको बोलते हैं हम कैपिंग बोल देते हैं। आप कंपनी से पूछ लीजिएगा कि बाइनरी इनकम में आपकी कैपिंग क्या है, तो कैपिंग आपकी वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, तो ये कंपनी टू कंपनी आपका डिपेंड करता है। अब अगला चलते हैं, आपको अगर इससे ज्यादा कमाना है, अगर कैपिंग हो रखी है, तो एक ही तरीका है कि आप एक आईडी की जगह दो या उससे ज्यादा आईडी लगाएं। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दो आईडिया, दो से आईडिया लगाने देती है या नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की आईडी लगा सकते हो। इसके अलावा आता है एक कॉमन कंसर्न जो लोगों का होता है, वो कॉमन कंसर्न ये है कि बाइनरी एक पिरामिड है। अब आप बताइए, क्या आपने किसी ने सुना है ये चीज सुनते हुए कि बाइनरी एक पिरामिड है? हम बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल, बाइनरी एक पिरामिड ही है, ये स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है। क्योंकि आप देखोगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन वो पिरामिड स्ट्रक्चर में ही बनती है। आप गवर्नमेंट देखोगे, गवर्नमेंट का पिरामिड स्ट्रक्चर है, चर्च का पिरामिड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप देख लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी का ले लीजिए, उसका पिरामिड स्ट्रक्चर है। सच्चाई तो ये है कि आप एक बाइनरी प्लान बहुत ही फेयर प्लान है, जिसमें हर आदमी को पैसा कमाने का ऑप्शन मिलता है। और ये भी है कि आप अपने स्पॉन्सर या आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्या आपने कभी सुना है कि आप किसी कंपनी के, जिस कंपनी आप काम करते हो उस कंपनी से, कंपनी के सीईओ से ज्यादा आपकी तनख्वाह है? मैंने तो नहीं सुना है। लेकिन इस बाइनरी इनकम में आप ये देखोगे कि आपको मिल सकता है। जब आप एक ज्वाइन करते हो, आप जीरो से स्टार्ट करते हो सबकी तरह, सही बात है। अब आपके स्पॉन्सर ने 15 लोगों को लेफ्ट में रखा हुआ है और आपके राइट में मान लीजिए आप 3 महीने तक बहुत बेजोड़ काम करते हैं और आप अपनी टीम बना लेते हैं 30 राइट की और 30 लेफ्ट की। अब आप सोचिए, अब क्या होगा, आपके स्पॉन्सर के पास 15 लेफ्ट में है, 30 और 30 राइट में, यानी कि आपके स्पॉन्सर 15 लेफ्ट में और 60 राइट में है, जबकि आपके पास सिर्फ 30 लेफ्ट में और 30 राइट में है। अब देख लेते हैं अब आपकी इनकम और आपके स्पॉन्सर की इनकम कैसे होती है। क्योंकि आपके पास 30 लेफ्ट में और 30 राइट में है तो आप कमाओगे $3,000, जबकि आपका स्पॉन्सर के पास सिर्फ 15 लेफ्ट में है और 60 राइट में है, लेकिन जो रेशियो मैच करता है वो 15 के साथ 15 का रेशियो मैच करेगा, यानी कि उनको मिलेंगे सिर्फ $1,500। तो इस तरह अगर आप देखते हो तो आप अपने स्पॉन्सर से ज्यादा भी कमा सकते हो, डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव मिली होगी। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं जो अपने को ऑफर्स देती हैं। आपको कोई चीज भी समझनी हो, कोई चीज भी अगर जानना हो, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो support@chalgaya.com पे, या आप साइट पे chalgaya.com विजिट कर लीजिएगा। वहां पे साइट पे एक मैसेज बॉक्स है, वहां अपनी डिटेल्स भर के आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। प्लीज ध्यान रखिए, आप अपना नाम, सिटी, कहां से, कौन से देश से बोल रहे हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस, जिस नंबर पे कॉल किया जा सकता है, जिस नंबर पे व्हाट्सएप किया जा सकता है, और आपकी क्वेरी क्या है, आप मैसेज कर दीजिएगा। क्वेरीज के वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल जो भी आंसर होगा वो बताया जाएगा, आपका सपोर्ट हम करेंगे। मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली मिलेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी। आपको कंपनीज का आइडिया चाहिए, कंपनीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वो भी दी जाएगी। उम्मीद है आपको बाइनरी प्लान क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको समझने में कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज और प्लीज आप लोगों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया लगे। और अगर इसके अलावा आपको कुछ कमेंट या कॉम्प्लीमेंट देना हो तो इस वीडियो के नीचे आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस को जानने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।